हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा। जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीआरओ आरओ की वैकेंसी के लिए फाइनल नोटिफिकेशन बस आने ही वाला है। पिछली बार आपको वीडियो में बताया था कि आयोग उसके लिए अब प्रयास कर रही है और जल्दी ही अगले हफ्ते तक इसका फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा और संभावना है कि अक्टूबर नवंबर तक इसकी परीक्षा भी हो जाए। तो जब इसकी परीक्षा होगी उसके लिए तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है, क्योंकि इसका सिलेबस ब्रॉड है, बड़ा सिलेबस है, बड़े स्तर की परीक्षा होती है। 2 साल बाद वैकेंसी, 2 साल 3 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो बहुत सारे लोग लंबे समय से इसकी तैयारी के लिए बिल्कुल जुटे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। तो जो लोग तैयारी अभी ढीली ढाली कर रहे थे, अब तैयारी को बिल्कुल गति पकड़ा दीजिए। आज की क्लास हमने रखी है कि आपको इसके सिलेबस के बारे में आइडिया दिया जाए। पहले दिन आपको बताया था कि इस यूपीआरओ आरओ के जो एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जीएस का होगा और दूसरा पेपर जनरल हिंदी का होगा। तो जीएस के बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमने रखी है कि आज आपको जनरल हिंदी के बारे में बताया जाए कि जनरल हिंदी में क्या क्या सिलेबस है उसका, किन किन सेक्शन से सवाल आने हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे, समय कितना मिलेगा और उसके लिए आपको पास होने के लिए कम से कम कितने सवालों को हिंदी में आपको सही करना पड़ेगा। तो आज हम लोग हिंदी के सिलेबस, जो आयोग ने हिंदी का सिलेबस यूपीआरओ आरओ का बताया है, लंबे समय से यही सिलेबस रहा है। तो यूपीआरओ आरओ में हिंदी का जो आपका सिलेबस है सामान्य हिंदी है, तो इस सिलेबस में ही मेंशन किया गया है कि सिलेबस में आपके जो प्रश्नों की संख्या रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो कुल प्रश्न कितने होंगे, 60 प्रश्न होंगे। और इस 60 प्रश्न को हल करने के लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो समय रहेगा 1 घंटे का, 1 आवर्स। यानी 1 घंटे में आपको 60 प्रश्न करने होंगे, यानी ऑन एवरेज आपको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय रहेगा। अब 60 प्रश्न है, जैसे जीएस का जो सेक्शन होता है उसमें 140 प्रश्न होते हैं, 140 क्वेश्चन, और इसके लिए 2 घंटे का समय होता है, 2 आवर्स। यानी 140 प्रश्नों के लिए 2 घंटे का समय, यानी 120 मिनट में 140 प्रश्न आपको करने हैं। तो वहाँ पर जो मिनट और क्वेश्चन का जो रेशियो है थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर है कि 1 घंटे में आपको 60 मिनट मिलेंगे और 60 मिनट में 60 क्वेश्चन, यानी हर 1 मिनट पे आपको एक सवाल करना है। उनके जो प्रश्नों की साइज होती है वो छोटी होती है, ठीक। पूर्णांक इसके यानी टोटल जो मार्क्स होंगे वो भी 60 ही होंगे, 60 नंबर का ही होगा पूर्णांक इसका। और इसमें माइनस मार्किंग भी होगी, माइनस मार्किंग जो है ये 0.25% आपका माइनस काटा जाएगा, यानी आप मैथ की भाषा में कहते हैं 1/4 या 0.25, जो भी आप कह लें। कि आपने अगर एक प्रश्न गलत दिया तो आपने जितने सही अंक प्राप्त किए हैं उनमें से 1/4 यानी 0.25 काट दिया जाएगा। यानी अगर आपने एक सवाल सही किया और चार सवाल आपने गलत कर दिए तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस मार्किंग कितनी है, 0.25 की है। अब इसमें सवाल आपके 60 हैं और सिलेबस में जो आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, जो पॉइंट दिए गए कुल 6 पॉइंट दिए गए हैं, 6 टॉपिक दिए गए हैं, 6 पॉइंट का 6 टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक दिया गया है विलोम शब्द। विलोम शब्द आपने सुना होगा, जो अपोजिट वर्ड होते हैं, दिन का रात होता है, पति का पत्नी होता है, सब एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। तो उन विलोम शब्द जो आप देखते हैं, उस विलोम शब्द से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, प्रश्नों की संख्या रहेगी, कुल कितनी रहेगी, 10 विलोम शब्द आपके दिए जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके बाद वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि होगी कि जो सेंटेंस होता है वो क्लियर है या नहीं, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं। 4 वाक्य दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है या कौन सा वाक्य अशुद्ध है, या शब्द दिए जाएंगे उसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है। और इस वाक्य और वर्तनी शुद्धि से भी प्रश्नों की संख्या कुल कितनी रहेगी, 10 रहेगी। अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द का मतलब है कि जैसे एक लंबे सेंटेंस दिए जाएंगे उसको एक शब्द में आप क्या कहेंगे। जैसे जो जीवन जीने की इच्छा रखता है तो जिजीविषा उसको कहेंगे, तो जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं कि अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं, ठीक है, तो उससे भी सवालों की संख्या कुल कितनी रहेगी, 10 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा तद्भव तत्सम, तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम का मतलब है कि जो हिंदी में तद्भव का मतलब होता है कि जो एकदम ओरिजिनल जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं में कुछ मिश्रण हो जाता है। जैसे गेहूं है तो गेहूं का शुद्ध वर्जन गोधूम है, जो संस्कृत से ओरिजिनेट हुआ, ठीक। अब हल्दी है तो हल्दी को हरिद्रा कहते हैं शुद्ध भाषा में, तो वही जो वाक्य शब्द जो एकदम ओरिजिनल प्योर वर्ड जो है उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। कि जैसे जल है तो आँख नहीं नेत्र हम लोग कहते हैं, इस तरीके से हल्दी को हरिद्रा बोलते हैं, अंगीठी को अंगिष्ठिका बोलते हैं, जैसे अंगूठा होता है तो अंगूठा को अंगुष्ठा बोलते हैं। तो इस तरीके से
आंखें हैं तो हम लोग जनरल लैंग्वेज में आंखें बोल देते हैं, वहां पर नेत्र बोला जाएगा इस टाइप के। तो वैसे कुल कितने होंगे? 10 शब्द होंगे। इसके अलावा व्याकरण से संज्ञा सर्वनाम नहीं, केवल विशेषण और विशेष्य है। विशेषण और विशेष से कुल कितने सवाल हैं? 10 प्रश्न है। विशेषण मतलब जो किसी चीज की विशेषता बताए, और जिसकी विशेषता बताए उसी को विशेष्य बोलते हैं। तो विशेषण और विशेष्य इसी के प्रकार हैं। तो व्याकरण के नाम पर ध्यान रखेंगे, विशेषण और विशेष्य, इससे भी कुल कितने प्रश्न हैं? 10 प्रश्न हैं। और लास्ट में आता है पर्यायवाची। तो जो पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची जो है, इनसे भी कुल कितने सवाल हैं? 10 प्रश्न हैं। पर्यायवाची आपने सुना होगा कि बचपन में पढ़ा होगा, याद किया होगा 9वीं 10वीं में, कि पेड़ को जो वृक्ष होता है, तो पेड़ को वृक्ष, तट, विटप, तरु, और ढेर सारे पर्यायवाची जो इस्तेमाल करते हैं, घोड़े को क्या बोलते हैं। तो उसी तरीके से जो एक अलग अलग अर्थों में आते हैं शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो पर्यायवाची इनसे 10 होते हैं। तो हर एक सेक्शन से ध्यान रखेंगे 10 ही प्रश्न होंगे। और जो सिलेबस, इसमें आयोग की एक अच्छी बात यह है कि आयोग सिलेबस बिल्कुल स्टिक है, कि इसमें आपको कहीं भी संज्ञा सर्वनाम बाकी चीजों से प्रश्न नहीं पूछेंगे, जितना लिखा हुआ है उतना ही रहेगा। इसी से हर एक से 10 10 रहेंगे, और टोटल देखिए 10 ये हो गया, 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 10, टोटल कितने हो गए? 60। हर एक से 10 10 प्रश्न है, तो कुल 60 प्रश्न है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे कि विशेषण और विशेष से 10 कहा गया है, तो ना 9 पूछा जाएगा, नहीं 11 पूछा जाएगा। 10 का मतलब 10 है, विलोम शब्द 10 है, तो 10 ही रहेंगे, बाकी शुद्धि भी 10 है। तो 10 जितना कहा गया उतना ही पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं होता, इसमें अच्छी बात है। अब क्योंकि जो प्रश्नों का स्तर होता है, जो सवाल होते हैं, बहुत हल्के स्तर के होंगे, बहुत डीप में आपको नॉलेज इसके लिए नहीं चाहिए। जैसे बताया ना कि हल्दी को हरिद्रा बोलते हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल याद करने वाली हैं, जो विलोम शब्द है या निखारती शब्द है, तद्बोध और समय, पर्यायवाची, सीधे सीधे आप याद कर सकते हैं। गलती होने की जो संभावना सबसे ज्यादा बनती है, वो गलती होने की संभावना वाक्य शुद्धि और वर्तनी में बनती है। क्योंकि वाक्य शुद्धि और वर्तनी में क्या होता है कि आपके पूरे जो हिंदी का जो व्याकरण होता है, उस पूरे व्याकरण की टेस्टिंग हो जाती है। तो इन सबको तो आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं, कि शब्द और उसके विलोम को भी आप याद कर सकते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्दों को याद कर सकते हैं, तद्भुत तत्सम याद हो सकता है, विशेषण विशेष याद हो सकता है, पर्यायवाची याद हो सकता है। विशेषण विशेष में थोड़ी समझने की चीजें हैं। तो गलती कहाँ होने की संभावना होती है? वाक्य और वर्तनी शुद्धि पर, खासतौर पर वाक्य शुद्धि। वर्तनी शुद्धि भी अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो आप कर जाएंगे। तो वाक्य शुद्धि का मतलब समझ लें कि 5 वाक्य होंगे जिनको आपको शुद्ध रूप से पकड़ना होगा, 5 क्वेश्चन इसके, विशेषण और विशेष्य के 5 क्वेश्चन। यही 60 में से 10 क्वेश्चन होते हैं जहां पर अधिकतर छात्र गलती करते हैं। तो हम अभी से मान ले रहे हैं कि आपके इनमें से 5, इसमें से 5, 10 क्वेश्चन आपके क्या होने जा रहे हैं? गलत होने जा रहे हैं। तो अब 60 में से 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यानी आपके कुल सही हुए कितने? 50। और 0.25 आप 10 क्वेश्चन का माइनस मार्किंग कर दीजिए, तो 2.5 और कर दिए, तो आपको कुल कितने हो जाएंगे? 47.5, यही होगा ना? नहीं, हाँ, 47.5 आपके हो जाएंगे अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं। बाकी एक एक में से भी हम मान लेते हैं, तो 4 और गलत कर देते हैं, 14 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपने गलत किया, तो आपका सही अंक, सही क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 46, 46, और 46 में आप 4 इसके और कर दिए, तो एक और कम हो जाएगा, तो आपका कुल कितना हो जाएगा? लगभग 43, 43.5 के आसपास आपके आने शुरू हो जाएंगे, तो बहुत कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपके जो गलती के चांस होने चाहिए वो 10, 10 से ज़्यादा आप गलत ना करें। कुछ छात्र होते हैं कि माइनस मार्किंग है, तो बहुत कम अटेम्प्ट करेंगे, जितना आ रहा है उतना ही अटेम्प्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे आरओ यारओ के एग्जाम में जो जीएस का पेपर होता है, उसका अच्छा स्तर होता है। तो जीएस के अच्छा स्तर होने की वजह से उसमें अगर 140 क्वेश्चन पूछा है, तो 140 में आप 100 125 तक नहीं पहुंच पाएंगे। 140 क्वेश्चन पूछा है तो आप बहुत करेंगे, 90 करेंगे, 95 करेंगे, उससे ऊपर आप नहीं जा पाएंगे। मेरिट आपका हिंदी ही बनाएगा, क्योंकि जीएस का पेपर का लेवल ऐसा होता है कि आपको 10 20 क्वेश्चन आसान लग सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के होंगे। तो इसमें हिंदी में आपको किसी भी हाल में 55 से ऊपर तो जाना ही जाना है। जो एकदम ऐसा प्रश्न हो कि जो आपने कभी न देखा, कभी न सुना, उसको ही आप छोड़ेंगे। ज्यादातर प्रश्नों को आपको हल करना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम गलती होने की संभावना आपको कितनी करनी है? 10। 10 से ज्यादा अगर आप गलती कर गए तो बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिन्होंने पिछली बार आरओ यारओ की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, जो 2020-21 में हुआ, तो उसमें देखा गया कि छात्रों ने जो पास हुए थे आरओ यारओ की परीक्षा में, उसमें ज्यादातर में हिंदी का स्कोर 50 के आसपास था,
किसी का 48 था, किसी का 50 था, किसी का 51 था। क्योंकि हिंदी ऐसा विषय है जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र हैं खासतौर पर यूपी और बिहार के, इनका हिंदी में बिल्कुल विशेष लगाव होता है। तो बस उसी जो हिंदी को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को हमें बस ध्यान से पढ़ लेना है और पढ़ना है लगातार, और इसमें याद करना है अच्छे से, खासतौर पर जो पर्यायवाची शब्द हैं, जो विलोम शब्द हैं, जो अनेकार्थी शब्द हैं, तद्भव तो समय, इसको आपको याद करना होगा। जब आप याद करेंगे तो आप बड़े आराम से इस 60 में से 50 क्वेश्चन आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अभी आपको बस हिंदी के बारे में आइडिया दिया। अगले सिलेबस में, अगले वीडियो में आपको जीएस के सिलेबस के बारे में आइडिया देंगे कि उसको आपको कैसे पढ़ना होगा, कितने क्वेश्चन करेंगे कि आप उसको पास कर सकें। अगर आपको हमसे डायरेक्ट पढ़ना है तो आप यहीं पर आके हमसे पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट ऑफलाइन में। क्लासेज हमारी चल रही है शाम को 5:30 से 7 के बीच में। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।